हेलो गाइस वेलकम टू एपेक्स माइंड्स तो आप देख रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर वन का लेक्चर थ्री प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेशनल और इेशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही कैटेगरीज के नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगेन तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे यानी वो रेशनल नंबर्स जिनका कोई ना कोई एंड होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है रिप्रेजेंट 2.8784 ऑन द नंबर लाइन ये ऑब्वियसली एक टर्मिनेटिंग नंबर है और इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो टू पॉइंट समथिंग जो है वो टू और थ्री के मिडवे कहीं ना कहीं होगा ठीक है तो हम टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस को हम टेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट वैल्यू टू पॉइंट एट वो हमें कहाँ मिलेगी यहाँ पर टू पॉइंट एट एंड टू पॉइंट नाइन नेक्स्ट वैल्यू है सेवन वो कैसे मिलेगी जब हम 2.8 और 2.9 को अगेन 10 हिस्सों में बांट देंगे ठीक है देन वी विल गेट 2.87 एंड 2.88 समवेयर मिडवे बिटवीन 2.8 एंड 2.9 नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 2.87 एंड 2.88 के बीच के डिस्टेंस को अगेन 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 2.878 एंड 2.879 तो हमने यहां तक तो कवर कर लिया है 2.878 तक जब हम 2.878 एंड 2.879 के बीच की डिस्टेंस को हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2.878, 2.8781 एंड सो so ऑन और ये जो नंबर है जो कि हमें रिक्वायर्ड नंबर था पूरा 2.8784, वो हमें फाइनली यहाँ पर दिख जाएगा हम दोबारा देख लेते हैं सबसे पहले हमने टू और थ्री के बीच की डिस्टेंस को टेन हिस्सों में बांटा वी पॉइंट 2.8 एंड 2.8 एंड 2.9 के बीच के डिस्टेंस को दोबारा 10 हिस्सों में बांटा वी टू 2.87 एंड 2.88 देन अगेन हमने 2.87 एंड 2.88 के बीच की डिस्टेंस को दोबारा से 10 हिस्सों में बांटा सो वी गोट 2.878 एंड 2.879 पॉइंट समवेयर बिटवीन दीज टू नंबर ठीक है एंड लास्टली जब हमने 2.878 एंड 2.879 को 10 हिस्सों में दोबारा डिवाइड किया तो फाइनली वी वांटेड टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन तो ऐसे ही प्रोसेस को जिसमें हम नंबर्स को विजुअलाइज करते हैं कैसे सक्सेसिवली यानी अगेन एंड अगेन मैग्नीफाई करके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर here it is 9.678 तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा 9 और 10 के बीच की डिस्टेंस को नंबर लाइन पे 10 हिस्सों में बांटना होगा बेसिकली उसे मैग्नीफाई करके ही हम बांट सकेंगे तो जब हम 9 और 10 के बीच की डिस्टेंस को 10 हिस्सों में बांट लेंगे वी विल गेट 9.6 समवेयर इन बिटवीन 9 एंड 10 तो हमें 9.6 मिलेगा एंड देन उसके बाद वाला 9.7 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को दोबारा से हम मैग्नीफाई करेंगे और टेन टाइम्स बांट लेंगे वी विल गेट नाइन पॉइंट सिक्स सेवन एंड नाइन पॉइंट एट समेर बिटवीन नाइन पॉइंट एंड नाइन पॉइंट सेवन देन अगेन इन दोनों नंबर्स को जब हम और ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करने पर हमें फाइनली वो नंबर मिल जाएगा जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे ही हम क्या करेंगे जितने भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं उनको हम

तो थ्री और फोर के बीच में हम टेन हिस्से करेंगे देन देन के के बाद बाद हिस्से करेंगे के बाद करेंगे एंड सो ऑन जब तक हमें ये पूरा नंबर नंबर लाइन पर दिख नहीं जाता विजुअलाइज नहीं हो जाता तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हम एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर्स यानी उनका कोई एंड तो नहीं है लेकिन वो रिपीट जरूर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द्वेश्चन लाइन पर कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं सिर्फ सेवन ही रिपीट हो रहा है तो हमें क्या करना होगा समथिंग दिया है तो हम पहले फाइव और सिक्स के बीच में टेन मार्किंग्स बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर ठीक है हमें क्या मिल जाएगा फाइव पॉइंट थ्री मिल जाएगा एंड फाइव पॉइंट फोर कहीं ना कहीं मिल जाएगा दोनों ही डिस्टेंसेज के बीच में

फोर डेसिमल प्लेसेस या फाइव डेसिमल प्लेसेस फाइंड करने को बोल देते हैं अगर हम एग्जांपल्स की बात करें और यहाँ पर 1.272727 है तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस फाइंड कीजिए यानी कि 1.27 27 तक ही आप प्लॉट करके दिखा दीजिए ओके गाइस okay so सो इससे पहले हम इरेशनल नंबर्स की तरफ बढ़ें हमें एक थ्योरम डिस्कस करनी पड़ेगी व्हिच इज पाइथागोरस थ्योरम ये थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल होती है सपोज आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है जिसका नाम है सी ए बी जिसमें एंगल ए यहाँ पर 90 डिग्री है सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है बेसिकली इसमें क्या होता है जो आपका बेस है यानी जिस पर आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया है प्लस एल्टीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और हाइट भी बोलते हैं तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एल्टीट्यूड और बेस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल है हाइपोटेनस ट्राइंगल की वो साइड होती है जो कि नाइन्टी के जस्ट अपोजिट होती है नाइन्टी डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है ओके गाइस सो नाउ जो फर्स्ट मेथड है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करने का वो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो द क्वेश्चन हियर इज रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं जिस भी नंबर को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है हम उसे हाइपोटेनस मान लेते हैं तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो रूट टू का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसी बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए तो अगर हम रूट टू का स्क्वायर करें तो टू आएगा तो हम बेस और परपेंडिकुलर ऐसा क्या लें जिनका स्क्वायर करने पर टू आता हो तो सपोज अगर हम बेस की वैल्यू वन ले लें और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू वन ले लें तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर जो होगा वो टू ही आएगा हमें एक बेस लेना है नंबर लाइन पर ही जो कि कितना बड़ा है One unit and 90 degree angle पर हमें क्या करना है One unit का एक height जो है construct कर लेना है सो so से ज्वाइन कर देना है ताकि आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंप्लीट हो जाए जहां पर ए बी क्या है परपेंडिकुलर बी सी क्या है बेस एंड ए सी इज वैल्यू यहां पर क्या होगी वही जो कि हमें चाहिए रूट टू यूनिट्स तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा हमें इस ए को जो कि रूट टू यूनिट है इसी को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे एक compass को जीरो सेंटर मानते हुए हम ओपन करेंगे ए तक एंड देन वी विल ड्रॉ एन आर्क टुवर्ड्स द नंबर लाइन तो ये जो आर्क है इससे क्या हुआ है ए जो लेंथ है अब नंबर लाइन पर आ चुकी है यानी कि यह पॉइंट जो है किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है रूट टू को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रेफरेंस टू जीरो मतलब यह है जीरो से रूट टू कितना दूर है इतना डिस्टेंस दूर है जो कि किसके बराबर है एसी के ही बराबर है हमें दोबारा से हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर जो है किसी बेस के स्क्वायर प्लस किसी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए तो बेस और परपेंडिकुलर की ऐसी क्या वैल्यूज ली जाए कि उन दोनों का सम करने पर थ्री आए तो ऐसा करने के लिए हम बेस को रूट टू मान सकते हैं और परपेंडिकुलर को वन मान सकते हैं देखा जाए तो थ्री जो है वो किसके इक्वल होगा रूट टू स्क्वायर यानी टू एंड वन स्क्वायर यानी कि वन यानी ये इक्वेशन फुलफिल हो रही है बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम इन तीनों वैल्यूज से एक राइट एंगल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम रूट टू को प्लॉट करेंगे एंड देन ए सी को बेस मानते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे सो द फर्स्ट स्टेप विल बी वी विल ड्रो अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए जिसकी लेंथ क्या होगी वन यूनिट एंड ए सी जो है वो यहाँ पर एक बेस की तरह ट्रीट हो रहा है आपको हाइपोटेनस मिल सके तो अगर एडीजेंडिकुलर जो कि वन यूनिट लेंथ है जिसकी ए जो है यहाँ पर बेस बन चुका है एंड सी जो है वो हाइपोटेनस है और एंगल ए जो है यहाँ पर 90 डिग्री है तो बेसिकली डी जो है वो कितना है रूट थ्री यूनिट है एंड अगेन बाय द हेल्प ऑफ अ कंपस हम क्या करेंगे जीरो को यहाँ पर सेंटर समझते हुए हम इतना इसको ओपन करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ एन आर्क टूवर्ड्स द नंबर लाइन सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रूट थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब ये है ये जो डिस्टेंस थी सी डी वो अब नंबर लाइन पर आ चुकी है यानी कि जीरो के रेफरेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है रूट थ्री यूनिट्स है ओके गाइस सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन तो हाइपोटेनस यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर किसी बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए तो so, इसके लिए हमें क्या करना है अगर हम बेस को मान ले टू और परपेंडिकुलर को मान ले वन तो टू का स्क्वायर फोर होता है एंड वन का स्क्वायर वन तो ये जो इक्वेशन है ये जो वैल्यूज हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रही हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम रूट फाइव को हाइपोटेनस, बेस को टू एंड परपेंडिकुलर को वन यूनिट कंसीडर करके एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ आपको बेस को क्या करना पड़ेगा टू यूनिट्स मानना पड़ेगा एंड देन यू विल परपेंडिकुलर विच इज ऑफ वन यूनिट लेंथ नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट टू फॉर्म योर हाइपोटेनस यहां पर सी बी जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी जो है वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ए सी जो है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है नाओ इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें सी को सेंटर मानते हुए इतना ओपन करना है कंपस एंड देन एक आर्क ड्रॉ करनी है ऑन द नंबर लाइन सुदेस्ट पॉइंट हेयर इज रूट फाइव तो जीरो के रेफरेंस में अगर हम देखें जीरो से लेकर यहाँ तक ये यह जो लेंथ है वो कितना है रूट फाइव यूनिट्स तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हम जो नॉर्मल इेशनल नंबर्स होते हैं उनको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से कैसे नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करते हैं ओके गाइस सो द नेक्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट एन नंबर इज सेमी सर्कल मेथड सपोज रूट एक्स कोई वैल्यू है यानी रूट एक्स कोई इ नंबर है जो कि आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है जहां पर एक्स कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर कभी भी हम पॉजिटिव के अलावा कोई भी वैल्यू इमेजिन नहीं करते वरना वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली नाउ सपोज यू हैव टू शो रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले नंबर लाइन पर सिर्फ एक्स यूनिट जो है मार्क कर लेनी है जीरो के रेफरेंस में रूट एक्स नहीं सिर्फ एक्स यूनिट्स। यहाँ पर मैंने सेवन मार्क किया है ताकि मैं इजीली आपको समझा पाऊँ, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एंड योर नेक्स्ट स्टेप विल भी आपको इसी एक्स यूनिट से जस्ट एक यूनिट एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है ऑन द नंबर लाइन इसको हम पॉइंट ए बोल देते हैं इसके बाद जीरो और ए के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसका आपको हाफ करना है यहाँ पर केस हमारे केस हमारे में क्या है एट यूनिट्स है तो हम एट का हाफ कर देंगे एंड फोर को नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे देन आपको क्या करना है कंपस की हेल्प से ये जो मिडल पॉइंट था इसको सेंटर मानते हुए आपको ए तक ओपन करना है आप ए तक भी ओपन कर सकते हैं या फिर जीरो तक भी ओपन कर सकते हैं वो उतना ही होगा डिस्टेंस क्योंकि ये पॉइंट है तो ए तक ओपन करने के बाद आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जीरो की तरफ सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यानी कि 90 डिग्री एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है जो कि उस सेमी सर्कल को मीट कर रही हो तो एक्चुअल में जो आपने ए डी कंस्ट्रक्ट किया है यही रूट एक्स है यही रूट एक्स यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सेम वैसा ही करना है जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड में किया था आपको एक कंपस लेना है और ई e पर उसे रखते हुए डी तक ओपन करना है देन डी से एक आर्क बनानी है ऑन द नंबर लाइन आर्क बना लेने ले के बाद यह जो डिस्टेंस है ये रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ध्यान रखिएगा कि जीरो से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रूट एक्स नहीं है क्योंकि हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है हम इस परपेंडिकुलर को लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये रूट एक्स होगा सो इन कंक्लूजन ई एफ जो है वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट एज ई डी जो है वो रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ लेट टॉक अबाउट प्रूफ ऑफ दिस मैथड कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि ये जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है ये रूट एक्स के इक्वल है तो हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये मैथड जो है ये पाइथागोरस थियोरम पर ही बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर यह जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर डी ई जो है उसका परपेंडिकुलर है बी ई जो है वो उसका बेस है एंड बी डी जो है जो सेमी सर्कल की रेडियस है यहाँ पर वो क्या है हाइपोटेनस तो सबसे पहले अगर हम बेस की बात करें विच इज बी ई तो बी ई की वैल्यू क्या है बी ए जो है यानी यहाँ पर रेडियस जो है सेमी सर्कल की उसमें से किसको माइनस किया गया है ई ए को यानी कि वन को तो इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या है रेडियस है एक्स प्लस वन यानी कि ये पूरी डिस्टेंस एक्स प्लस वन अपॉन टू यहां पर x प्लस वन जो है वो पूरे सेमी सर्कल का डायामीटर है उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें बी ए जो है मिल जाएगा और अगर हम बी ए में से ई ए, ए यानी कि वन माइनस कर देंगे तो हमें बी ए भी मिल जाएगा तो यहां पर बेस की वैल्यू क्या है x माइनस वन अपॉन टू यूनिट्स अब अगर हम हाइपोटेनस की बात करें यानी बी डी की बात करें तो वो इस सेमी सर्कल की रेडियस है और रेडियस क्या है डायमीटर का हाफ यानी एक्स प्लस वन का हाफ सो so, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है एक्स प्लस वन अपॉन टू यानी कि एक्स प्लस वन टू का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी बेस क्या है x माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हम जानते नहीं हैं अभी फिलहाल जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स यानी ए प्लस वन का होल स्क्वायर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे एंड टू का स्क्वायर फोर सिमिलरली राइट हैंड साइड पर बेस का स्क्वायर ये आएगा एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा जब हम इस वैल्यू को इधर ले जाकर माइनस करेंगे देन वी विल गेट फोर एक्स अपॉन फोर

और सेमी सर्कल मेथड से हम किसी भी इरेशनल नंबर को इजिली प्लॉट कर सकते हैं बाय द सेम प्रोसीजर ओके गाइस सो सेमी सर्कल मेथड का यूज करके अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सो द द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा थ्री पॉइंट सिक्स जो है उसको नंबर लाइन पर मार्क करना होगा थ्री पॉइंट सिक्स विल बी समवेयर अराउंड हेयर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है 3.6 में आपको वन यूनिट ऐड कर देना है ताकि आप 4.6 को मार्क कर सकें तो आप नंबर लाइन पर अब क्या करेंगे 4.6 को मार्क करेंगे योर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस डिस्टेंस यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस अब है 4.6 जो है इसका आपको सेंटर फाइंड करना है बेसिकली 4.6 का हाफ जब हम कर देंगे देन वी विल गेट टू तो जीरो के रेफरेंस में 2.3 जो है वो क्या है वो इस डिस्टेंस का सेंटर होगा सेंटर को मार्क करने के बाद आपको क्या करना है इसी सेंटर पर कंपास का पॉइंट रख के आपको उतना डिस्टेंस ओपन करना है जहां तक आपने 4.6 को रिप्रेजेंट किया था देन वहां से आपको क्या करना है एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है अप टू जीरो इसके बाद आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है यहां से यानी 3.6 यूनिट से जब तक वो सेमी सर्कल को कट नहीं कर देता तो ये जो है 90 डिग्री एंगल आपको बनाना है और एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर लेना है नेक्स्ट आपको क्या करना है दोबारा से कंपस की हेल्प लेकर इस पॉइंट को सेंटर समझते हुए आपको कंपस को इतना ओपन करना है एंड देन एक आर्क बनानी है ओन द नंबर लाइन आर्क बना लेने के बाद ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट थ्री पॉइंट सिक्स को लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है ये रू, रूट थ्री पॉइंट को रिप्रेजेंट तो कर रहा है लेकिन किसके रेफरेंस में इस जीरो के रेफरेंस में नहीं बल्कि इस पॉइंट को तो आपको इस को जीरो लेट करना है देन उसके रेफरेंस में यह रूट थ्री पॉइंट सिक्स है तो नंबर लाइन तो सबसे पहले आपको क्या करना है 5.3 को नंबर लाइन पर मार्क करना है फाइव पॉइंट थ्री इज बाद अराउंड क्या करना है 5.3 में one unit add करना है, सिक्स पॉइंट 6.3 को मार्क करना है इसके बाद आपको क्या करना है इस पूरी डिस्टेंस का सेंटर ढूंढना है यानी कि 6.3 का सेंटर ढूंढना है ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 6.3 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा देन यू विल गेट 3.15 और आपको सेंटर को भी मार्क कर लेना है विच इज समवेयर अराउंड हियर इसके बाद आपको क्या करना है इस सेंटर पर कंपस का पॉइंट रख के इतना ओपन करना है ताकि वो हाफ डिस्टेंस को कवर कर ले एंड देन उस डिस्टेंस से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है अप टू द जीरो एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आपको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यानी कि 90 डिग्री एंगल जो है यहाँ पर बनाना है और जब तक सेमी सर्कल कट नहीं होता तब तक एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसके बाद कंपस की हेल्प से कंपस के पॉइंट को यहाँ पर रखते हुए आपको कंपस को इतना ओपन करना है एंड देन एक आर्क ड्रॉ करनी है जब तक आप नंबर लाइन को कट ना कर दें सो नाओ ये जो आपने परपेंडिकुलर बनाया था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था रूट फाइव पॉइंट थ्री को एंड जब आपने कंपस की हेल्प से इसको ऐसे नंबर लाइन पर लेटा दिया इसी डिस्टेंस को तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट फाइव पॉइंट थ्री को ही बट ये जीरो के रेफरेंस में नहीं कर रहा रूट फाइव पॉइंट थ्री को ये इस पॉइंट के रेफरेंस में कर रहा है यानी ये जो डिस्टेंस है ये रूट फाइव पॉइंट थ्री यूनिट्स है ना कि जीरो से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो रूट फाइव पॉइंट थ्री तो ये जो डिस्टेंस आपने परपेंडिकुलर बनाया था वही नंबर लाइन पर लेटा देने के बाद रूट फाइव पॉइंट थ्री यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर इस फिगर को आपको और ज्यादा बेटर करना है तो आप जो है हर एक पॉइंट का नाम असाइन कर सकते हो ए बी सी डी ई तो यहाँ पर बी ई जो है बी ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रूट फाइव पॉइंट थ्री यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so फाइनली जो भी हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं तो जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पर तो जो रेशनल होते हैं उसमें हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं यानी कि हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं नंबर लाइन को जूम इन करते हैं तब तक जब तक हमें रिक्वायर्ड नंबर नहीं मिल जाता इसी विजुअलाइजेशन के प्रोसेस को हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं इन रेशनल नंबर्स के केस में हमने दो मेथड्स का यूज़ किया था जैसे कि जो सिंपल रेशनल नंबर्स थे जैसे कि रूट टू रूट फाइव रूट सेवन इनके केस में हमने सिंपली क्या किया हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया कैसे इन सारे नंबर्स को हमने हाइपोटेनस की तरह ट्रीट किया एंड करस्पोंडिंग बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज हमने फाइंड करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और जब हमने उसे नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वो वही नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था।, जो था, method, वो भी पर ही था लेकिन हम उसमें कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को रेडिकल साइन के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर सकते थे यानी कि एक्स के यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है तो ये जो नंबर बनेगा हम इसको सेमी सर्कल मेथड की हेल्प से प्लॉट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट नाइन पॉइंट सेवन रूट थर्टीन पॉइंट फोर जितने भी वैल्यूज हैं उनको ईजीली नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है बाय सेमी सर्कल मेथड तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं रेशनल एज वेल एज इेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर सो गाइज फाइनली ये जो लेक्चर है वो यही खत्म होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेशनल और इन नंबर्स को जब हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रेक्शन एक्सेट्रा तो हमें क्या फाइनल आंसर देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ़ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल कॉन्टेंट टिल टेक केयर बाय बाय एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन